मौसम चेंज होने की कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हमारी बारिश में घर और किचन और सेहत के बहुत काम आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हैक्स हैं। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइएगा आप कैसे हो और कहाँ से देख रहे हैं। तो बढ़ती हूँ दोस्तों पहली टिप्स की तरफ। तो हमें लेना है दूध, एक बाउल हमें दूध लेना है। इसमें हमें थोड़ी सी आधी चम्मच हमें क्या करना है, इसमें हल्दी डाल देना है, आधी चम्मच हल्दी डालना है। इसके बाद हमें लेना है मिठाई, मिठाई जो गुड़ बोलते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ मिठाई भी बोलते हैं, गुड़ भी बोलते हैं, ज़्यादातर मिठाई बोलते हैं। इसको हम अच्छे से पहले इस जो मिठाई है इसको हम अच्छे से कूट करके डालेंगे या फिर इस तरीके से हम अच्छे से इसको खोल लेंगे। तो ये हमने इसमें तीनों चीज़ें मिला करके घोल दिया। अब हमें थोड़ा सा डालना है घी, घी डालना है और जो मेथी होती है मेथी दाना लेने, 10 से 12 दाने हमें मेथी दाना लेना है। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देना है। अब इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, जो हमने घोल बनाया था इसमें छोड़ देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जैसे हम चाय में नमक डालते हैं थोड़ा सा नमक। अब इसको इस तरीके से हमें चलाते रहना चाहिए। हमारा बहुत अच्छा काढ़ा बन करके रेडी हो गया। क्या होता है दोस्तों, मौसम चेंज होने के कारण कहीं जुकाम होता है, कहीं खांसी होती है, कहीं गले में जलन होती है, कहीं गले में खरोच होती है। दोस्तों इस तरीके से अगर हम बना के पिएंगे तो हमारे गले में जो समस्या है, जुकाम है, खांसी है, बहुत आराम मिलेगी। इसको हम थोड़ा थोड़ा गरम गरम पिएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पिएंगे तो हम अपने सेहत को नीके भले पिएंगे, अगर तबीयत भी नहीं बिगड़ी है तो भी पी लेंगे, हमें बहुत राहत मिलेगी, थकान भी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो जो हम छोला होता है या फिर जैसे काले वाले चने होते हैं फुलाते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा सोडा डाल देंगे खाना वाला। अगर हमें फुलाने में ध्यान नहीं रही, जब हम पकाते हैं तब डाल देंगे तो जी हमारे बहुत जल्दी उबल जाते हैं और फूल जाते हैं। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हमारी किचन में मगर बहुत काम आती हैं। अब सीख लेते हैं दोस्तों अगला टिप्स क्या होता है। दोस्तों जब हम कोई दाल बनाते हैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया तो इधर से हमारा जो निकलने लगा पूरा गंदा हो जाता है, कभी कभी गैस भी पूरी गंदी हो जाती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक छोटा सा उपाय है, हमें लेना है कोई कपड़ा। तो हमने ये बनियान का कपड़ा लिया, इसको यहाँ से थोड़ा सा हमें इसे कट कर देना है, थोड़ा सा हमने इसके छेद का नाप का कट कर दिया है। अब हमें इसे पिन हो लेना है इस तरीके से। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी इसमें दाल होगी, ये जो सामान पकाएंगे हम वो हमारा पूरा इसमें आएगा। कभी कभी काफ़ी जिद्दीदार दाग हो जाती है, हमारी किचन एकदम गंदी हो जाती है, तब अच्छा नहीं लगता, बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम अपनी परेशानी से बचेंगे। अब अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों क्या है। मौसम के कारण इतनी सब्जी महंगी आ रही है, हर सब्जी महंगी आ रही है, और मौसम के कारण थोड़ा भी हमने आलस कर दिया तो हमारी सब्जी पूरी गल के बेकार हो जाती है। तो जबकि हमारे घर जैसे सब्जी लेकर के आए तो तुरंत इसको हम धुल करके अच्छे से वॉश करके इसके रखें, थोड़ा भी पानी नहीं रहने देंगे। अगर हमारा थोड़ा भी पानी रह गया तो वहीं से हमारा गलना चालू हो गया। और दोस्तों जैसे हमारे बैंगन है, बैंगन हमारे बहुत जल्दी इसकी खाल होती है जो ऊपर की, बहुत जल्दी सुकड़ जाती है। तो थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे, थोड़ा सा दो बूंद और इस तरीके से सारे बैंगन में लगा देंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी सब्जियों को हम कैसे देखभाल करें और कैसे रखें। और इस तरीके से हम अगर धूप नहीं निकलती, थोड़ा हम पंखे के नीचे रख देंगे, जो पानी होगा वो सारा निकल जाएगी, हमारी सब्जी खराब नहीं होगी। और दोस्तों ध्यान देना है, मौसम चेंज होने जैसी बारिश है तो बारिश में हर चीज़ हम ढक के जरूर रखें, क्योंकि मच्छर मक्खी बहुत आती है और हमारी सारी चीज़ों में बैठ जाती है तो गंदी होती है। इस तरीके से मिर्ची अदरक ये भी बहुत जल्दी गलता है, तो इनको भी वॉश करो और तुरंत पंखे के नीचे रख दो, और सुखा के रखेंगे तो हमारी सेफ रहेगी। अब अगले टिप्स देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। इस तरीके से जो मसाले होते हैं जैसे मेथी है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, इनको हम अच्छे से भूंज लेंगे। जैसे बारिश में इन चीज़ों को हम भूंज कर और पीस करके रख लेंगे। हम जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई टेस्टी सब्जी बनाना होता है तब इसको हम डालते। तो दोस्तों हमने जिनको भून के निकाला, एक और दोस्तों ये हमारा खल्लड़ है, खल्लड़ में हमने थोड़ा सा जो स्पंज था वो काट के लगा दिया, इससे हमारी बहुत रात आवाज़ भी नहीं आएगी, हमारी जो ज़मीन है उसको बहुत
जैसे कभी कभी टाइल होता पत्थर है ज़्यादा धमक लगती है तो टूटने का डर होता, अगर इस तरीके से खल्लड़ में लगा लेंगे तो हमारी जो ज़मीन है सेफ रहेगी। तो इस तरीके से हम जब कूटते हैं बहुत आवाज़ भी आती है तो, और इस तरीके से हमारे आवाज़ भी नहीं गई और अच्छे से हमारा कूट गया। तो जी दोस्तों हमने आज बनाएंगे बैंगन, भरवा बैंगन। तो हमने इसमें प्याज लहसुन मिर्ची और सारे मसाले ऐड कर दिए और जो मैंने तवे में भूंजे थे वो मैंने भूंज के डाल दिए हैं। तो सारे मसाले ऐड करके थोड़ा सा हमने तेल गरम किया, इसमें मिला करके इस तरीके से हमने जैसे टमाटर भरा ऐसे सारे हमने बैंगन भर करके कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो दोस्तों हमने ये तेल में भूंज रहे, इसमें पानी नहीं डालना है। तो इस तरीके से हम बैंगन को बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से बैंगन को बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है, जो हमने टमाटर डाले इससे कुछ खट्टापन आ जाएगा तो और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब थोड़ा देर हम ढक देंगे, इसके बाद हमारे जो बैंगन है पककर के रेडी हो गए। दोस्तों अगर इस तरीके से आपको बैंगन सूखा पसंद है तो सूखा बना सकते हैं। तो दोस्तों हमें इस तरीके से बैंगन पसंद नहीं है, हम थोड़ा तलीदार खाते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये हमारे बनकर के बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। इस तरीके से अगर हम बना बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों, एक बार बना के जरूर खाइएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक दोस्तों राधे राधे।